ज़रूरी नहीं सब एक ही शेप और साइज़ के हों। ये देख सकते हो लाइन से जा रहे थोड़े बड़े हैं, फिर इसके ऊपर जा रहे जो छोटे 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 होते जा रहे हैं, एक हाथ बड़ा है फिर एक छोटा है, ठीक है। तो एक रैंडम से हैं, बस ऐसे कोई पैटर्न के साथ मत बना दें कि हेक्सागन में बना रहे हो, रेक्टेंगल्स में बना रहे हो, बीच में एक आध लाइन बना दी तुमने वो ठीक है, इस तरीके से बनाओ। देख सकते हो लेफ्ट साइड जैसे जैसे जाते जा रहे हो वो फेड होते जा रहे हैं, तो इसी तरीके से लेफ्ट साइड भी थोड़े थोड़े जो डार्क अपन ने 6B8 भी किया ना इसमें भी बनाते जाओ, क्योंकि वो फेड होते हुए अपन को दिखाने हैं। और कोशिश करो एकदम परफेक्ट सर्कल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े एक ट्राइंगुलर शेप सा हो गया, कुछ कुछ ऐसे रैंडम बिगड़ा हुआ सा डिफॉर्म शेप हो गए, ठीक है। कुछ ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट सर्कल्स चाहिए, परफेक्ट सर्कल्स तो ना हो तो ही बेटर है, ठीक है। ऐसे रैंडम से बस शेड करते जाओ एरिया को, एक क्लोज्ड शेप होना चाहिए बस एक। एक ध्यान रखना पूरा नीचे से ऊपर तक मत भर देना, मेनली जो डेंसिटी है तुम देख सकते हो ये तो हल्के हल्के बन रहे हैं, इनके ऊपर थोड़े से डार्क और होंगे अभी सेकेंड लेयर में, ठीक है। तो अभी तो बस हल्के हल्के उनकी एक पोजीशन सी मार्क करनी है अपन को अपनी मैकेनिकल पेंसिल से कि यहाँ पे हैं ये, फिर जो और डार्क हैं उसको अपन थोड़ी अपनी 2B HB पेंसिल से उन्हें डार्क करेंगे हल्का सा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं, तो इसमें अपन को एकदम ब्लेंडिंग स्टंप लेना है, उसे थोड़ा सेंटर पे पकड़ो और जहाँ जहाँ तुमने किए हैं उसको ऐसे सर उसके ऊपर रख के उन्हें ब्लेंड कर दो। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लेंड नहीं करना है, हल्का सा करना है क्योंकि इसके ऊपर ब्रश चलाएंगे अपन, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना सर्कल्स में नहीं चाहिए, ऐसे भरे सर्कल्स में मत बना देना, ठीक है। थोड़े कुछ रैंडम शेप सा निकालना, रेफरेंस को देखो, रेफरेंस में खूब तरीके से रैंडम शेप बने पड़े हैं, ठीक है। कुछ ग्रुप में है, कुछ डार्क हैं, कुछ लाइट हैं, तो मेनली अपन को अभी स्टार्टिंग में लाइट लाइट बनाना है, इसके बाद अपन एक और लेयर देंगे उसमें इन्हें डार्क करेंगे। तो अभी पहले ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से इन्हें अपन ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ये हो जाते हैं। अब इसके बाद ये जो लाइन थी मेनली इनके ऊपर हल्के हल्के से ब्रश चलाओ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी किए थे एंड एंड में जो किए थे उन पे सर्कुलर चलाओ, ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं इन पे चलाओ, तो इन्हें हल्का हल्का ब्लेंड कर दो, ऐसे कर दो कि ये बस हल्के से यहाँ पे थे, ठीक है। तो इतने में अपना फर्स्ट लेयर हो जाती है इनकी, जो हल्के हल्के जो अपन को चेहरे पे दिख रहा है ये वो रहे। अब अपन को क्या करना है, HB पेंसिल लो, ठीक है। ये जो गिनती के हैं ना यहाँ पे, जैसे ये एक डार्क दिख रहा है मुझे, तो मुझे ये डार्क दिख रहा है, तो मैं हल्का हल्का इस पर दोबारा बहुत डार्क नहीं शेड करूँगा, मैं उस जगह कंटिन्यूसली थोड़ा शेड करा। फिर उसके नीचे जो तीन है, उसके नीचे एक, ये दो और ये तीन, ये डार्क किया। फिर यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे थोड़े से डार्क, ठीक है। फिर ये दोनों दिख रहे, देखो कुछ में थोड़े से हिस्से दिख रहे, जैसे मान लो ये बड़ा है इसमें हल्का सा राइट साइड वाला हिस्सा थोड़ा डार्क दिख रहा, ठीक है। अपन जितना हो सके उतना पिक्चर एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दो तीन दिख रहा है मुझे डार्क, तो मैंने उसे थोड़े प्रेशर के साथ बनाया, ठीक है। यहाँ दिख रहे थोड़े ये डार्क, ये तीन जो हैं ये दिख रहे डार्क, यहाँ पे एक दिख रहा अकेला डार्क,
सकते हैं इस तरीके से लेफ्ट में आते, तो ये जो तीन लाइन में है ये थोड़े डार्क से हैं, ये ऊपर की तरफ तीन हैं, ये यहाँ एक दो हैं ये डार्क से, इस तरीके से एक दो जो डार्क हैं वो अपन ने बना लिए। ओके, अब इनको भी अपन अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लो ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से। ठीक है, इस तरीके से एक दो डार्क हुए, और फिर इसको भी मैं ब्रश से और ब्लेंड कर लूँगा। मैं ब्रश ऐसे बहुत घिस नहीं रहा हूँ, मैं बस उस जगह आराम आराम से ब्रश की टिप चला रहा हूँ। ठीक है, वो जगह हल्का हल्का ब्रश ऐसे प्रेस करके चला लूँ, तो ये अपना जो फोरहेड पर अपन के जो स्पॉट्स थे अभी भले ही अजीब लग रहे हो, लेकिन जब पूरे चेहरे में बन जाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इतना करो, उसके बाद अपन को आईब्राउज देखने हैं। आईब्राउज बनाने के लिए अब अपन को मैकेनिकल पेंसिल से बनाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, जितना हो सके लिटरली एक एक बाल कॉपी कर सको एक एक बाल कॉपी करो। पहले मैकेनिकल पेंसिल से बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में देखो एक बाल ये जा रहा है, कैसे देखना है अपन को, एक ये गया, फिर एक एक कर्व होते हुए गया, ये ऊपर स्ट्रेट सा गया, ये दूसरी डायरेक्शन में गया, ये लेफ्ट साइड कर्व होते गए, ठीक है, ये एक बड़ा आगे की तरफ गया, ये छोटे गए, फिर एक ये और बड़ा गया, ठीक है, ये पीछे की तरफ मिल रहे हैं, ये यहाँ पे हैं थोड़े छोटे छोटे बीच में इनके। तो इस तरीके से अपन को एक एक बाल जो है, एक एक बाल उसकी कॉपी करनी है। ठीक है, एक एक बाल की कॉपी करने की कोशिश करो। ओके, तो बनाते चलो मैं। ये आराम आराम से देख सकते हो, मेन यहाँ पे है, लेकिन ऊपर की तरफ भी बाल निकल रहे हैं, तो वो ऊपर की तरफ जो बाल निकल रहे हैं वो बना लो ऐसे। ठीक है, सिर्फ सारे नहीं निकल रहे, एक आध दो निकल रहे, कुछ इस डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में निकल रहे, फिर एक आध जो निकल रहे हैं मैं पहले वो बना रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये हो गए आगे के। अब इससे नीचे की तरफ आते हुए ये जो दिख रहे हैं ना चेहरे पे आते हुए, मतलब स्किन पे आते हुए, ये बनाओ। ठीक है, एक आध दो यहाँ पे आए, जैसे कर्व होते हुए आए, ये छोटे छोटे अपन को दिख रहे हैं ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नीचे मत ले आना इस एरिया के, थोड़े थोड़े लाना है अपन को। अभी भले ही अजीब लग रहे हो, लेकिन फिर बाद में जब बनेंगे तो सही लगते हैं। फिर इस तरीके से ले आए, ठीक है, इस तरीके से ले। अब धीरे से अपन जो कन्वेंशनल तरीका होता है आईब्राउज बनाने का, इस तरीके से जो कर्व्स आते हैं अपने, वो कर्व्स बनाएंगे। तो ये अपना जो नॉर्मल तरीका है बनाने का कर्व, यहाँ से वो आने लगेंगे, पीछे की तरफ जाने लगेंगे ये कर्व। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है राइट हैंडीज के लिए, इस तरीके से थोड़ा अपना जो स्केच है उसे घुमा लो। ठीक है, स्केच अपन ने घुमा लिया, और यहाँ से पीछे की तरफ जो कर्व हैं वो आने लगेंगे। ठीक है, पीछे की तरफ धीरे धीरे कर्व अपने आने लगेंगे, एक आध जो बाल छोटे छोटे ऊपर जा रहे थे उनकी तरफ उनका स्ट्रोक बनाते जाओ। ठीक है, ये पीछे की तरफ आते जाएंगे। ओके, तो ये अपने जो मेन बाल थे ऊपर वाले वो बन गए, अब जो पीछे की तरफ जाते हैं हल्के हल्के वो बनाओ। ओके, अब पीछे से आगे की तरफ भी आते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपन को दिख रहा है रेफरेंस में, तो वो भी बनाएंगे अपन। ठीक है, देख सकते हो रेफरेंस में पीछे से आगे की तरफ भी आ रहे हैं बाल। तो अपना मेन एरिया तो ये है। ठीक है, इस जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है उसे अपन शेड कर लेंगे, जो बाल निकल रहे हैं इन्हें भी एक आध जो एक्स्ट्रा बाल निकल रहे, जैसे ये जा रहा ये गया अपोजिट डायरेक्शन में, जो पीछे की से बाल आ रहे हैं वो। तो ये बनाने के बाद अपन को क्या करना, जो अपनी मेन आईब्राउ है
उसको अच्छे तरीके से शेड कर लो ताकि जब अपन 10B वाली लेयर दें तो अपन को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये अपनी आईब्रो लेफ्ट वाली बन जाती है। सेम तरीके से अपन को राइट वाली बनानी है, उसमें भी अपन को एक एक बाल बनाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे वाले बाल से। एक ये छोटा सा, फिर एक बड़ा, फिर उसके साथ एक कर्व, ये पीछे की तरफ दो गए। इस तरीके से जो एक एक बना रहा हूँ मैं, तुम्हें भी उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। ये मैंने क्या बताया था, ये बेस है, ये हल्का सा कर्व जा रहा, ये ऊपर का टॉप है। इस तरीके से दिमाग में रखो, ओके, और बनाते जाओ। ये जो थोड़े हल्के हल्के नीचे की तरफ आ रहे स्किन की तरफ, इस तरीके से लाते जाओ। एक रियलिस्टिक लुक देते हैं अपन को बालों का, कि बालों की जो रूट्स हैं वो यहाँ से आ रही हैं। एक आध बड़ी बड़ी आएंगे, कुछ इस तरीके से आएंगे। ओके, तो मेनली जो बड़े बड़े जा रहे हैं पीछे की तरफ वो बना लो। ओके, और फिर इस तरीके से पीछे की तरफ जाने वाले कर्व्स शेड करना स्टार्ट कर दो, स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से अपना राइट साइड वाला भी हो जाता है, इसे भी ब्लेंड कर लो। ओके, इसके बाद फिर अपन को और डार्कर लेयर करनी है इसमें, तो इतना करो पहले। तो बाकी अपन बाद में करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।